तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ AAC ब्लॉक को वॉल्स में कैसे यूज करना होता है। बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी टाइम पहले, जिसमें मैंने रीजंस बताए थे कि AAC ब्लॉक वॉल्स में क्रैक क्यों आते हैं और उसका क्या रीजंस हो सकते हैं। लेकिन उसी वीडियो पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि AAC ब्लॉक को हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी जो लोग घर बनाना चाहते हैं। और उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर आपको AAC ब्लॉक को अगर आप अपने घर में यूज करना चाहते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट करना है, यानी कि अपने ध्यान में रखना है, जिससे कि इन फ्यूचर AAC ब्लॉक की वॉल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इन फ्यूचर कोई भी क्रैक ना आए। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ध्यान से समझेंगे इन सारे पॉइंट्स को। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स बताता हूँ कि ये मटेरियल बेसिकली है क्या। ये बेसिकली एक टाइप से आपकी फॉर्म कंक्रीट है, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एयर के पॉकेट्स हैं, यानी कि ये टोटली एक पोरस कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। और पोरस होने की वजह से ये आपको अच्छी थर्मल इंसुलेशन, एकॉस्टिक ट्रीटमेंट, यानी कि साउंडनेस की जो प्रूफ है वो सारी चीज़ें ये आपको प्रोवाइड करता है। बस इसमें जो एक चीज़ है जो आपको नोट करनी है वो है इसकी स्ट्रेंथ, यानी कि आप देख रहे हैं कि AAC ब्लॉक की जो स्ट्रेंथ है 3.5 न्यूटन पर mm² है। अगर मैं कंपेयर करूं ट्रेडिशनल रेड ब्रिक से तो आपकी ट्रेडिशनल रेड ब्रिक की स्ट्रेंथ 7.5 न्यूटन पर mm² के आसपास रहती है। तो यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है कंपेरिजन में जस्ट हाफ है, आधी है। तो इस केस में आपको हमेशा नोट करना है कि AAC ब्लॉक वॉल को हमेशा एज ए नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के केस में यूज़ करना है, यानी कि आपकी जो RCC का जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उसको आपको प्रॉपर पहले पूरा बना लेना होता है, और उसके बाद में जो वॉल्स के एरिया हैं उसमें एज ए फिलर यूज करना है, यानी कि उसके ऊपर कोई लोड नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर लोड आया तो पहली बात तो ये लोड बियर ही नहीं कर पाएगा और दूसरा उसमें बहुत जल्दी क्रैक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे एक बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है। अब इसको यूज कैसे करना होता है वो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रॉपर स्टैकिंग, यानी कि कभी भी आपके घर पे या फिर साइट पे कभी भी AAC ब्लॉक का मटेरियल आता है तो जो लेबर है उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया जाना चाहिए कि उसकी उसको प्रॉपर स्टैकिंग करनी है, यानी कि इस टाइप से, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसने ब्लॉक लिए और ऐसे ही फेंकना शुरू कर दिया या फिर एक अनइवन शेप में उसकी स्टैकिंग कर दी, यानी कि इस तरीके से। अगर इस केस में उसने स्टैकिंग की तो 100% उन ब्लॉक्स में क्रैक डेवलप होंगे ही होंगे। तो यानी कि इसकी प्रॉपर स्टैकिंग करनी है इस टाइप से, ये तरीका टोटली गलत है, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, डोंट यूज हैमर चिजल टू कट ब्लॉक, यानी कि जब आप इंस्टॉलेशन कराते हैं AAC ब्लॉक की तो जो मैसन है या फिर जो भी मिस्त्री है तो उसको स्ट्रिक्टली मना कर देना है कि किसी भी टाइप का हैमर या चिजल को यूज नहीं करेगा, वो उसको प्रॉपर हैक्सा ब्लेड से ही काटेगा अगर उसको कोई साइज छोटा या बड़ा करना है ब्लॉक का। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है, इसको भी आपको ज़रूर नोट करना है। तीसरा पॉइंट है थिकनेस ऑफ मोटार एडहेसिव नॉट मोर देन 3 mm, यानी कि इसमें जो थिकनेस होगी आपकी मोटार की वो 3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मैं जो रिकमेंड करता हूँ इसको हमेशा पॉलीमर बेस्ड एडहेसिव से ही इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि पॉलीमर बेस्ड एडहेसिव जो है वो एक टेंसाइल यानी कि एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपके AAC ब्लॉक के जॉइंट्स को। अगर इनकेस आपने हायर ग्रेड का सीमेंट मोटार यूज किया आपने AAC ब्लॉक में, तो जब कभी भी अर्थ का सेटलमेंट होता है या फिर अर्थ कोई काट आता है या फिर उसमें कभी भी किसी भी टाइप की अगर बिल्डिंग में मूवमेंट हुई तो उस केस में भी उसमें क्रैक आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यानी कि आपको सीमेंट मोटार को इग्नोर करना है, इसको यूज करना ही नहीं है, आपको हमेशा पॉलीमर बेस्ड एडहेसिव के साथ जाना होता है। और पॉलीमर बेस्ड एडहेसिव में जो उसका वेट होगा, यानी कि ये इसका एक सीमेंट के टाइप से ही बैग आता है और उसमें 25% बाई वेट आपको वाटर मिलाना है और उसको 3 mm की लेयर के साथ आपको यूज करना होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट है डू नॉट नीड क्यूरिंग, यानी कि इसमें क्यूरिंग की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसको आप ऊपर वाले पॉइंट से भी लिंक कर सकते हो, अगर आपने सीमेंट मोटार यूज किया तो उसको आपको फिर क्यूरिंग करनी पड़ेगी, अगर आप एडहेसिव के साथ जाते हैं तो उसकी क्यूरिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
और अगला है हमारा डू नॉट इमर्स इन वाटर, यानी कि एसी ब्लॉक को कभी भी पानी में डाल के डिप नहीं करना होता है। जनरली जो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिशनल ब्रिक यानी कि जो रेड ब्रिक्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको हम पानी में 4 hours, 8 hours के लिए पहले से ही डिप कर देते हैं और फिर हम उसको यूज करते हैं, किसको, ट्रेडिशनल ब्रिक्स के केसेस में। लेकिन एसी ब्लॉक की एक ड्राई श्रिंकेज की भी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि पानी में आपने उसको डाला, फिर जब वो सूखेगा तो उसके साइज में कुछ ना कुछ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उस केस में अगर आपने इसको इमर्स किया पानी में तो फिर उसमें जो प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो उसके बेसिस पे भी क्रैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यानी कि इसको पानी में भी इमर्स नहीं करना होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है डू नॉट ले मोर देन 6 layer, यानी कि अगर आप एसी ब्लॉक की वॉल बना रहे हैं तो आपको मैक्सिमम एक दिन में इन ए डे एक दिन में आपको सिर्फ 6 layer ही उठानी है, यानी कि 6 layer से ज़्यादा आपको एसी ब्लॉक की चुनाई नहीं करनी होती है। इसके बाद में यूज आरसीसी बैंड, यानी कि अगर आपका एसी ब्लॉक का ये जैसे वॉल है तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर ये आपका एसी ब्लॉक की वॉल्स की लेयर्स हैं तो इसमें ये रिकमेंड किया जाता है रनर 100 mm से लेके 150 mm फॉर एवरी 1200 mm, यानी कि इसमें आप समझ लीजिए, सपोज़ आपने ये अगर कोई वॉल उठाई है तो एक दिन में आपको ये 6 layer डालनी है और 6 layer डालने के बाद में आपको एक RCC का रनर या फिर बैंड यूज करना होता है। यानी कि जो ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं ये कॉन्क्रीट की एक स्ट्रिप होती है, या फिर आप इसको रनर बोल दीजिए, RCC का बैंड बोल दीजिए, और इसमें 8 mm या 10 mm के 2 reinforcement steel प्रोवाइड करके ये भी डालना होता है। क्योंकि अगर इन केस टेम्परेचर चेंज होता है वेदर में, कभी बारिश हो जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, तो इसकी ड्राई सिंकिंग की प्रॉपर्टीज़ तो उसमें काम करेगी, तो उस केसेस पे भी ये जो बैंड है उसको प्रिवेंट करेगा कि उसमें क्रैक डेवलप ना हो, तो यानी कि इसकी भी रिकमेंडेशन रहती है। सिमिलरली अदर केस, अगर इसकी जो लेंथ है, यानी कि अगर ये वाली जो लेंथ है अगर आपकी 4.5 meters से ज़्यादा जा रही है, 6 meters जा रही है, 7 meters जा रही है, तो उस केस में भी आपको एक वर्टिकल कॉलम भी बीच में डालना होता है, कितनी लेंथ के बाद में, 4.5 meters के बाद में। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके साथ फिनिश कौन सी होनी चाहिए, जिप्सम प्लास्टर या फिर सीमेंट प्लास्टर, ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो लोग ज़्यादातर पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इंटरनल प्लास्टर करना चाहते हैं तो हमेशा जिप्सम प्लास्टर के साथ जाएं। उसका रीज़न क्या है, जिप्सम प्लास्टर की जो डेंसिटी है वो सिमिलर टू एसी ब्लॉक के सेम है, यानी कि एसी ब्लॉक की डेंसिटी 650 kg पर क्यूबिक मीटर और जिप्सम प्लास्टर की भी डेंसिटी जो होती है वो 600 से 700 kg पर क्यूबिक मीटर के आसपास ही होती है। तो इन केस अगर कोई थर्मल एक्सपेंशन है तो उस केस में जो आपके घर का इंटरनल सरफेस है तो उसमें भी क्रैक डेवलप होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, यानी कि उसके प्लास्टर वाले एरिया में अगर थर्मल एक्सपेंशन होता है तो। और सबसे मेन चीज़ जो आपकी एसी ब्लॉक की जो वॉल की जो फिनिश होती है तो वो एक यूनिफॉर्म फिनिश में आती है, तो उस केस में 6 mm 8 mm थिकनेस में भी इस प्लास्टर की फिनिश को अचीव किया जा सकता है। और मैक्सिमम जो थिकनेस है, चाहे वो सीमेंट प्लास्टर करें या फिर चाहे आप जिप्सम प्लास्टर करें, वो किसी भी केस में आपकी 10 mm से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये एक लाइट वेट मटेरियल है और उस पर जो लोड आएगा, यानी कि वो भी एक पील ऑफ ना हो किसी भी केस में, यानी कि अगर आप थिकनेस ज़्यादा कर दोगे तो जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होगी एक आपकी एसी ब्लॉक के साथ तो वो उतना प्रॉपर उसको पकड़ नहीं पाएगा, यानी कि प्लास्टर की थिकनेस जितनी ज़्यादा कम होगी तो उसकी जो ग्रिप होगी उस वॉल पे वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल प्लास्टर की। एक्सटर्नल प्लास्टर के लिए सिर्फ आपका एक ही सॉल्यूशन है, वो है आपका सीमेंट प्लास्टर। बस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो थिकनेस है वो आपकी 15 mm से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर आप चाहो तो 10 से 12 mm के केस में भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि बाहर का भी जो सरफेस होगा एसी ब्लॉक के साथ वो एक यूनिफॉर्म फिनिश में होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो टेक्निकल थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद में अगला है ऑलवेज यूज वायर मैश ऑन जंक्शन ऑफ कॉन्क्रीट, यानी कि जो भी आपकी बीम है, यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ अगर यहाँ पर आपका कॉलम आ जाता है और ये आपकी बीम आ जाती है, तो इस वाले जंक्शन वाले पॉइंट पे आपको वायर मैश को प्रॉपर यूज करना है, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर भी जंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपको वायर मैश कम से कम 6 inches का पूरा यूज करना होता है प्लास्टर को करने से पहले। दूसरा,
कंड्यूट चेजिंग, यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल्स की फिटिंग्स हैं, यानी कि जो भी आप काम कराते हो अपने घर में, प्लम्बिंग का काम है या फिर इलेक्ट्रिकल का काम है, तो उसमें चेज कटिंग होती है। तो चेज कटिंग में भी आपको वायर मैश को प्रॉपरली यूज करना होता है कि उसके रीजन से भी क्रैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कंड्यूटिंग, पाइपिंग, फिटिंग का काम हो तो उसमें भी ये हैमर या चिजिल का यूज नहीं होना चाहिए किसी भी केस में उस वॉल पे, यानी कि उसको वो हमेशा काटेगा, यानी कि जो आपकी मशीन होती है उसमें ब्लेड से वो उसकी प्रॉपर कटिंग करेगा और हैमर या चिजिल का यूज बिल्कुल भी नहीं करेगा। इन केस अगर आप ड्रिल भी कर रहे हो, आपको कर्टन लगाने होते हैं, टीवी यूनिट्स हैं या फिर जो भी सीपी फिटिंग्स के फिक्सचर्स हैं, तो उसमें आपको नॉर्मल ड्रिल करना होता है, ना कि हैमर ड्रिल। अगर आप हैमर ड्रिल करोगे तो उससे पूरी वॉल वाइब्रेट होती है, तो उस केसेस में भी क्रैक आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उसमें टाइम भी आपको, जो भी आपका काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर है या फिर जो भी मैसन है या जो भी प्लम्बर है, तो उसको बताना होता है कि वो नॉर्मल ड्रिल ही यूज करेगा, क्योंकि जो अंदर जो वॉल है वो आपकी एसी वॉल है। तो ये भी एक टेक्निकल पॉइंट था जो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिंटल्स की पोजीशन। इसके लिए पहले मैं स्केच बना देता हूँ, फिर मैं इसको समझाता हूँ। तो यहाँ पर लिंटल्स की पोजीशंस को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि होता क्या है कि लोग लिंटल्स की पोजीशन को ही गलत कर देते हैं, और जब कभी बारिश होने के बाद में या फिर बिल्डिंग जब आपकी पूरी फुल लोड लेती है, तो उस केस में उसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट इन ब्लॉक्स के ऊपर पड़ता है, तो उस केसेस में भी क्रैक आ सकते हैं। तो यानी कि आपको इंश्योर करना होता है कि ये पहला वाला केस देखिए, अगर आपकी एसी ब्लॉक की जो लेंथ है ये फुल है, तो इसकी जो एज है लिंटल की, वो इसके ब्लॉक के एकदम फ्लश होनी चाहिए। यानी कि दूसरे केस में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, एक छोटा वाला ब्लॉक यहाँ पर डाल दिया है और फिर बड़ा वाला ब्लॉक यहाँ पर डाल दिया है, तो इसकी जो एज है लिंटल की वो इसके सेंटर पे काम कर रही है। तो यानी कि अगर बिल्डिंग पे इम्पैक्ट हुआ तो सबसे पहले ये वाला ब्लॉक, जो ब्लॉक है आपका, क्रैक हो जाएगा सेंटर से, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ही इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो उस लोड या इम्पैक्ट को बियर कर सके, और इस केसेज में ऐसे या फिर ऐसे आपका क्रैक डेवलप हो सकता है वॉल में। अगर यहीं पर इसका इम्पैक्ट आपका इस ये फ्लश रहेगा तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस केसेस में भी लिंटल्स की पोजीशन को भी ध्यान रखना होता है कि अगर ब्लॉक वॉल की एज आपकी जिस जगह फ्लश हो रही है, तो उसी के केस में आपका लिंटल भी फ्लश होना चाहिए। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है जब आपकी फॉइल, जो फाउंडेशन या फिर बिल्डिंग में सेटलमेंट होती है बारिश होने के बाद में। तो बिल्डिंग को सेटलमेंट होने से रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर कॉम्पैक्शन करनी होगी। यानी कि जो भी आपने एक्सक्यूशन की थी फाउंडेशन के लिए, तो आपको उसका प्रॉपर कॉम्पैक्शन करना है, जिससे कि अगर इन फ्यूचर बिल्डिंग फुल रनिंग में आती है या फिर जब वो पूरा लोड ले लेती है, तो उसमें सेटलमेंट ना हो। तो प्रॉपर कॉम्पैक्शन को भी इंश्योर करना होता है, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जनरली एसी ब्लॉक्स में क्रैक आने के चांसेस का। एक पॉइंट और है, अगर आप कभी भी एसी ब्लॉक को इंस्टॉल करते हो, यानी कि अगर सपोज ये आपने एक लेयर कास्ट कर दी, ठीक है, आपने इसके ऊपर एडहेसिव लगाया, तो अगला एसी का ब्लॉक है वो सीधा इसी की डायरेक्शन में आना चाहिए, यानी कि सेम इसकी पोजीशन में। ऐसा मत करें कि ये ब्लॉक आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया और फिर आप इसको स्किड कर रहे हैं, यानी कि इधर की तरफ फिर इसको आप मूवमेंट दे रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो इंश्योर करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ये सीधा अपनी पोजीशन पे वर्टिकली रेस्ट करे, क्योंकि अगर आप एडहेसिव में इस टाइप से मूवमेंट करोगे तो उस केस में इसकी जो स्ट्रेंथ है, यानी कि इसमें गैप्स आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो उससे भी इन फ्यूचर में क्रैक डेवलप हो सकते हैं या फिर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप गाइस मैं जितना कवर कर सकता था एसी ब्लॉक्स की जो प्रिकॉशंस हैं, यानी कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इनको यूज करते टाइम, तो वो मैंने सारे आपको क्लियर करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि एसी ब्लॉक की जो एक जस्टिफाइड कॉस्ट है वो कितनी आनी चाहिए, एडहेसिव की कॉस्ट कितनी होती है, कितना कंजम्पशन होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।